नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। फरीदाबाद में नगर निगम को बने 22 साल का एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन आम जनता आज भी मूलभूत जरूरतों से कोसों दूर नजर आ रही है। और अब नगर निगम चुनावों में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और सभी भावी उम्मीदवार वार्ड में जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। यानी कि उम्मीदवार कहते हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो हर समस्या का समाधान करूंगा। सभी भावी उम्मीदवार जीत की उम्मीद के साथ मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। देखिए वार्ड नंबर 25 से हमारे संवाददाता विनीत त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। उसके पहले बीवीएम न्यूज अपनी जगह जगह जाके इस बात की जांच पड़ताल कर रहा है कि आखिरकार 5 सालों में कितना विकास कार्य इस क्षेत्रों में हुआ है। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत आने वाले सरस्वती कॉलोनी में। जब कैमरे की नजर इस कॉलोनी में पड़ी तो हालात बहुत बद से बदतर सामने आए। गलियां कच्ची पड़ी हुई हैं और सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे एक बिजली की भी समस्या। सब जो रोड में पोल तो खड़े हैं, लेकिन पोल में जिस तरह तार लटक रहे हैं, ये लगता है कि यहाँ पे कुछ भी सुनियोजित ढंग से काम नहीं किया गया। इधर पे कुछ बासिंदे मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करने के लिए आज इधर पे उपस्थित हुआ हूँ और ये जानूंगा कि आखिरकार 5 साल में इस सरस्वती कॉलोनी का कितना विकास यहाँ के पार्षद द्वारा कराया गया। तो अब फिर से निगम चुनाव और नजदीक है, 8 तारीख को वोटिंग होनी है। फिर से बहुत सारे उम्मीदवार इनके पास आते जा रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, हम विकास कराएंगे, और ये अपने मत का प्रयोग करके एक पार्षद भी चुनेंगे। लेकिन 5 साल बाद समस्या जस की तस बनी रहती है, चेहरे बदल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगा, इनसे जानूंगा कि आखिरकार क्या कौन कौन सी यहाँ से समस्या है जिसके कारण ये सबसे ज्यादा परेशान है। जी, आपका नाम क्या है? अंजना सिंह। अंजना सिंह, कब से आप इस कॉलोनी में रह रही हैं? लगभग 11-12 साल से। 11-12 साल से क्या क्या समस्याएं यहाँ की? पहले तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत प्रॉब्लम थी, और ये लाइट की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सड़कें भी बदतर थी, लेकिन पिछले 6-7 सालों में सड़कें थोड़ी बहुत दुरुस्त हुई हैं, लाइट में भी थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन पूरी तरह से सुधार नहीं है। पूरी तरह सुधार नहीं आया। अच्छा, ये बताइए, पहले के जो आपके पार्षद रहे, कितना विकास कार्य क्षेत्र में कराया गया? बस कभी तो हमें दर्शन ही नहीं मिला। पहली बात, थोड़ा बहुत दर्शन मिला तो सिर्फ उनके हमने भाषण सुने। हाँ जी, नेताओं के इन्होंने भाषण सुने। आप बताइए इधर की क्या, आपका नाम क्या है और समस्या क्या है? शशि किरण है जी। शशि किरण है, और मुझको यहाँ पे 10 साल करीब हो गया रहते हुए। और जैसे यहाँ का जो स्थिति है इस टाइम भी, अब भी मतलब इतना भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। पर लेकिन इसमें भी रवि भाई साहब अभी तक बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि गली को सुधार कर सकें या सड़कें बनवा सकें। और बिजली के बारे में भी क्या कहते हैं, वो पहले से ज्यादा अच्छी तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो सके जी। कि पब्लिक को अच्छी से सुविधा मिल सके मेरी तरफ से। अच्छा, तो पर लेकिन ये है कि अब भी यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बिजली की, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि नंगी तारें हैं तो करंट लगने का डर रहता है, किसी को कोई हादसा मतलब घटने का हर वक्त डर बना ही रहता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण दुबे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कच्ची गलियां पड़ी हैं, बारिश के समय यहाँ का हाल कैसा होता है? जी, बारिश का समय तो बहुत बुरा हाल हो जाता है जी, बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। किनारे किनारे लोग निकलते हैं, फिर भी लोग को गिरने का डर होता है। वोट देती है ना आप जी? उस बार भी दिया था जी। क्या लगता है कि पार्षद जो ये जनता जिसको नियुक्त करती है लोगों के काम काज कराने के लिए, समाज को विकास कराने के लिए, क्यों नहीं कराते ये लोग? अभी उम्मीद रख के ही तो वोट देते हैं कि कोई ना कोई तो विकास करेगा गली कॉलोनी का। हर बार यही उम्मीद होती है जी, लेकिन उम्मीद होती है लेकिन उम्मीद का सवेरा नहीं हो पाता। आप बताइए मैडम, क्या आपका नाम है और क्या जो इन माताओं बहनों ने मेरे सामने जो समस्याएं रखी, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे समस्याएं जिसके कारण आप लोग परेशान रहते हैं? मेरा नाम है कृष्णा देवी, मेरे 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत कुछ हुआ है, जैसे लाइट उठ लगा दी रवि बराना जी। मगर अभी ये जो थोड़ा रोड का दिक्कत है, पानी का, नाली के सब का दिक्कत है अभी बहुत ज्यादा। हाँ, पानी की दिक्कत हो रही है। हाँ, पानी के जैसे बारिश होती है तो पानी भर जाती है पूरी रोड पर। अच्छा, निकलने का दिक्कत। अच्छा, आप बताइए क्या क्या लगता है आपको, नाम क्या है? साधना सिंह। क्या लगता है और क्या क्या समस्या है यहाँ? पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी पीने का आता है खरीद के। अच्छा, खरीदना पड़ता है पानी? सप्लाई का पानी नहीं आता? सप्लाई का नहीं आता है। तो
आप रोज पानी खरीदती हैं? हाँ जी, खरीदते हैं। तो क्या लगता है पीछे वाले पार्षद से जो रहे उनसे आपने कभी कहा कि पानी की व्यवस्था करवाइए, हम लोग खरीद के पानी पीना पड़ता है? जी अभी तो नहीं कहे गए हैं, लेकिन ये कि नाली और रोड का सबसे ज्यादा समस्या है और पानी का तो है ही है, खरीद के आदमी पीता है पानी यहाँ पे। मैडम आपसे पूछूंगा मैं, क्या नाम है आपका? मेरा अफसाना खातून। मैडम क्या कौन इधर पे समस्या क्या है? मेरे सामने की गली तो ये कच्ची पड़ी है, इसके अलावा आप काफी सालों से यहाँ रह रही हैं? हमें 15 साल हो गए रहते हुए। हमें तो सबसे ज्यादा समस्या पानी गिराने की है। पानी तो लोग खरीद करके पी लेते हैं, लेकिन नाली बन जाती तो बहुत बढ़िया था। अच्छा, पानी की जल निकासी की सुविधा नहीं है? जी, मेरा नाम नीलम पांडे, मैं यहाँ पर 10 साल से रह रही हूँ। मेरा सबसे प्रॉब्लम ये है कि पूरे दिन बारिश में घुटना पर पानी भर जाता है, रोड पर पानी जो नाले का पानी निकलता है उसको भी काच काच के फेंकना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। बस नाली बन जाए और कुछ करे या ना करे, और कुछ करे या ना करे, नाली की समस्या और जल निकासी यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिसके कारण बारिश के मौसम में तो हाल और खराब रहते हैं, लेकिन बिन बारिश के भी इनका यहाँ की रोडों का हाल बिल्कुल बारिश की तरह हो जाता है। आये निखिल बिहार है और मंगर बाजार से भी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर चीज की समस्या है, रोड भी बुरा हाल है, नाली भी ना है, निकासी भी पानी की ना है। आप पानी का, पीने का, गंगा जल का भी सुविधा आज तक ना हुआ। यहाँ 15-20 साल से कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ हमने विधायक भी बनाया, विधायक भी आज तक जीतने के बाद यहाँ सकल ना दिखाए। हमने MP भी बनाया, 15 साल से हम रह रहा हूँ, 15 साल से 3 बार वोट डाले होंगे, 15 साल से MP भी बनाया, MP भी आज तक यहाँ सकल ना दिखाए। वोट लेने के लिए घर घर आ जाएंगे, दुनिया भर का वादे कर देंगे, झूठे शिलान्यास कर देंगे, वोट जब आएगा कॉलोनी पास कर देंगे, मगर आज तक ये होता नहीं है, बस एक हवा है। हमारे क्षेत्र में थोड़ा मोड़ा जो बिजली का काम किए वो भाई रवि भड़ाना है, उन्होंने बिजली का तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, बिजली का दिक्कत नहीं है, दिल्ली से बढ़िया बिजली आती है। हाँ, दिल्ली से बढ़िया बिजली हमारे यहाँ आती है। पूर्व पार्षद ओम प्रकाश सरखवाल है सेहतपुर से, उनको आज तक जब से जीते चुनाव यहाँ एक ईंट तक नहीं लगवाए, ना कभी अपना सकल दिखाया, ना कभी आए, और उनका वार्ड कट गया, अब तो उनका मतलब है ना यहाँ से। यहाँ की समस्या है जो रोड नहीं है, सब तो परेशानी हम लोग का नाली का है, नाली नहीं है, और कोई नेता इलेक्शन होता है वोट जीत गया बस कोई कुछ करते नहीं है, जो थोड़े बहुत ये मलबा उलबा डलवाए रवि भराना ने डलवाए, बाकी हम लोग खुद ही पैसा लगा लगा डलवाते हैं, बाकी यहाँ नाली रोड की बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। हाँ, पूर्व पार्षद को आपने जिताया था, क्या काम किया? कुछ काम नहीं करा हम लोग का, हम लोग को कुछ काम नहीं करा, बस वो जो रवि भराना ने थोड़ा बहुत मलबा डलवा, हम लोग तो ये रवि भराना ही की वो करते। और यहाँ पे ना तो नाली की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, लाइट की भी ऐसे ही होती है कि गर्मी में ट्रांसफार्मर भी सही नहीं है। अच्छा। हैं, रोज फुकार आता है, पहले तो विकास नहीं हुआ, अब तो आगे वो बताएगा समय करेंगे विकास की नहीं करेंगे, हैं उम्मीद तो है कि करेंगे। मेरे को 2 साल हो गए यहाँ रहते रहते हैं। क्या लगता है क्या क्या समस्या है यहाँ? अरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये नाली की है ना, यहाँ पानी जाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पानी से कितनी बीमारियाँ हम लोगों को होती है, हर साल हम लोग बीमारियों से जूझते हैं यहाँ पर। ना नाली कहीं भी नाली ऐसी नहीं है कि जहाँ से हम पानी निकाल दें, ना रोड है ना नाली है, बहुत यही सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि ना यहाँ नाली है ना यहाँ रोड है। पानी के चलते यहाँ पे मच्छर इतना होती है, बीमारी इतना फैलते है, कोई दवाई छींटने वाले भी नहीं आता है। हमने 9 साल में देखे हैं कि यहाँ कोई ना पानी की सुविधा हुआ, ना तो किसी रोड बनी है, ना तो यहाँ कोई मलुआ गिरा है, गाड़ी हमारे दरवाजे तक का तो आया नहीं इस गली में। यहाँ पे नेता तो कोई भी आए, नेता 36 आते, वोट लेकर के ने घर में बैठ जाते, काम कोई नहीं कराता। आप वोट लो तो कम से कम हमारी भी समस्या हल करो, आप ना करेंगे तो फिर आगे भी देखा जाएगा, आगे भी उसका समस्या समाधान होगा, नहीं करेंगे तो फिर उनको नहीं है और किसी को देंगे वोट, 100 में तो कोई करेगा ही। अब जैसे कि आप देख रहे हैं माहौल आ गया अब चुनाव का दोबारा से, सर हम लगभग यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 16 साल से और हमें कंडीशन में कोई मतलब बदलाव तो दिख नहीं रहा है। वैसे हर साल चुनाव मतलब हर 5 साल बाद चुनाव तो होते रहते हैं यहाँ पे, नगर निगम के भी होते हैं और फिर ऊँचे लेवल पर भी होते हैं, लेकिन सर मैंने आज तक यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखा नहीं है बदलाव। सर यहाँ पे मैं 16 साल से रह रहा हूँ, रोड में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, आज तक रोड नहीं बना हमारा, सर नालियाँ भी नहीं है, और सर वैसे सर ये लोकल से मतलब इलाका सर रहा अभी तक, सर हम चाहते हैं थोड़े से बदलाव हो, नेता लोग आते हैं सर हर बार चुनाव के भाषण आपके तक कानों तक आए हैं, गूंजते हैं? जी नेताओं के तो गूंजते नहीं है वैसे, उनके नारे आते हैं आपको कोई? जी नारे जरूर आते हैं। कौन कौन से नारे अभी तक आपको रट गए नेताओं ने जो आपको दिए हैं? सर अब की बार यही जो भी
जी सरकार ये दे रही है, पहुंच गए लेकिन विकास नहीं, विकास नहीं पहुंचा सर, बिल्कुल भी नहीं सर, 0%। यहाँ पे नाला बन रही है, सड़क है, तार लाइट की तार भी नहीं खींचा हुआ, अपने अपने पैसा से लगा के तार खींचते हैं, बार बार कट जाते हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं है इंतजाम नहीं है, पर समरसिवर नलका नलका भी खराब हो रखा है, समरसिवर लगाते हैं तभी पानी का प्रॉब्लम है, सप्लाई नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, समरसिवर कुछ नहीं है हमारे यहाँ, चाहे नाली की व्यवस्था हो, रास्ते की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था की, बिजली की, पानी की समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान जो करे उसी को वोट देंगे। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, बिजली नहीं है सही से आती है, रोड नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, और पानी नाले की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब ये तो उन्हीं के समझ में आए, आगे से तो पैसा मिलती है इन लोग को, अभी लोग क्या करते हैं ये तो हमें, उनके सिस्टम में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है तो उन्हीं से पता चलेगी। यहाँ के जो नेता हैं यहाँ पे आते हैं और वोट मांगते हैं मम्मी डैडी से, लेकिन जब वोट दे देते हैं तो जीतते हैं, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती है, गलियों में नाली नहीं है, कूड़े का वाड़ा ये सब है। और अच्छा, बारिश के समय आप पढ़ने कैसे जाते हैं? बारिश के समय बहुत प्रॉब्लम होती है, और ना पानी घरों में तक भी आ जाता है, गलियों में बहुत भरा रहता है, जगह जगह गड्ढे नालियाँ, उनमें पानी भर जाता है। रश्मि नाम है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, अब तो फिर भी बेटर हो गई है पहले से, बट ये है कि यहाँ पे आए दिन लाइट जाती है, कभी कभी डिम भी आती है, कुछ कहो भी किसी से अगर कंप्लेन करने के लिए तो जल्दी इलेक्ट्रिशियन आता नहीं यहाँ पे सॉल्व मतलब करने के लिए। रोडों का भी बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, आए दिन टूटते रहते हैं रोड, ट्रैक्टर वगैरह चलता है ढंग से कोई बनवाता नहीं, लोकल माल यूज़ करते हैं, इससे सब बेकार रहता है यहाँ पे। शिक्षा में यहाँ पे मीठापुर में स्कूल है, वहाँ पे जाते हैं हम, पैदल ही जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, ये तो हमारी अपनी निजी होती है पर कोई बात नहीं, हम अपने पैदल ही यूज़ कर जाते हैं पैरों से, बट दिक्कत ये है कि रास्ते, जिन रास्तों से हम जाते हैं वहाँ पे वो रास्ते बिल्कुल खराब है, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे नहीं है। पढ़ाई की दिक्कत ये है कि वहाँ पे बेंच नहीं होते, दड़ी नहीं होती, और मिलती भी जो सामान मतलब बेकार मिलते, थर्ड क्वालिटी की चीज़ मिलती है, ऐसा है। मैं रवि भड़ाना वार्ड नंबर 25 से अपनी पत्नी श्रीमती मुनेश भड़ाना को चुनाव लड़ा रहा हूँ। मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली 8 तारीख को मुनेश भड़ाना को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिसका मुख्य कारण है कि मैं आपके बीच में रहता हूं, आपके बीच में मेरा मकान है, मेरा ऑफिस है, जो हमने सुना है और आज शायद टिकट भी उसका डिक्लेयर हो गया है, जो बीजेपी से टिकट मिल रहा है वो यहां से अशोका इंक्लेव में रहती है, जो लेडीज सेक्टर में रहती है वो हमारी इन कच्ची कॉलोनियों का विकास कैसे करेगी। और बीजेपी ने पिछले 9-10 सालों से हमारे यहाँ पे लोग भागों को ठगा है, इस क्षेत्र की जनता मुझे विश्वास है कि निर्दलीय प्रत्याशी को चुनेगी। उसके कई कारण है, क्षेत्र में अधूरा विकास, बाहर से ऊपर से लाए हुए प्रत्याशी, लोभ लालच में लाए हुए प्रत्याशी यहाँ पे थोपे जा रहे हैं। मेरा पूरे क्षेत्र से निवेदन है कि क्षेत्र के विकास के लिए इस बार मेरा साथ दें।